Question number 15. For what value of n are the nth term of AP दो अलग अलग AP given? दोनों में nth term equal. ठीक है, n की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिसके लिए दोनों की nth term equal है. दोनों APs अलग अलग है, देखो है, दो APs आपको दी है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग है, दोनों का कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग है, पर दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो वो nth टर्म के लिए हमें टर्म नंबर n फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? टर्म नंबर n. ठीक है, तो पहले दोनों APs के लिए जो भी डेटा अवेलेबल है वो लिख लेते हैं. ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी क्या मिल रहा है? देखो डायरेक्टली लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस 2 मिलेगा, 67 माइनस 65 2, 65 माइनस 63 2. ठीक है, अब दूसरी एपी क्या है? 310 17. इसके लिए फर्स्ट टर्म कैपिटल एन इज इक्वल टू, दोनों के लिए सिंबल अलग अलग रख रही हूँ क्योंकि दोनों एपी अलग अलग है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी इज इक्वल टू, दस डिफरेंस क्या निकला है? 7. ठीक है, कैपिटल डी इज इक्वल टू 7. अब हमें बोला है कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों में एक टर्म इक्वल होगी, मतलब एन दोनों में क्या है? इक्वल है. ठीक है, फोर बोथ एपीज एन टर्म ए एन इज इक्वल टू ए. ठीक है, दोनों का एन टर्म क्या दिया है हमें? इक्वल दिया. इसके लिए हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करो तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस ए माइनस वन डी होगा, और इसके लिए एन क्या होगा? ए प्लस ए माइनस वन कैपिटल डी. लिख सकती हूँ? यस और नो? ठीक है, तो वैल्यू पुट करो. स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? 63 प्लस ए माइनस वन ए. स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? 2. कैपिटल ए इज 3 n माइनस वन, कैपिटल डी इज 7. ठीक है, देयरफॉर 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2 मतलब 2n माइनस 2, n माइनस वन इंटू 2 मतलब 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7 मतलब 7n माइनस 7. ठीक है, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7, 7n माइनस 4. ठीक है, अब 4 को इस साइड लेके आऊं तो 61 प्लस 4 7n, 2n इस साइड शेयर कर दो माइनस 7n माइनस 2n. एक मिनट, हाँ 61 प्लस 4 इज 65, 7n माइनस 2n इज 5n. 5 डिवाइड बाय 5, 35 आर 65, तो n इज इक्वल टू क्या मिला? 30. दोनों में 30 टर्म है वो इक्वल है. 4 बोथ एपीज 4 n इज इक्वल टू 13, an इज इक्वल टू a 13, सॉरी an इज इक्वल टू an, देयरफॉर ए 13 इज इक्वल टू ए 14. क्लियर? दोनों का एन की
14th टर्म क्या होगा? इक्वल क्लियर। Plus 12 as it is, ठीक है।
ब्रेकेट ओपन करो, ए प्लस सेवन माइनस वन मतलब सिक्स डी, ए प्लस फाइव माइनस वन मतलब फोर डी प्लस ट्वेल्व, दोनों साइड ए कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? फोर डी इस साइड आएगा, सिक्स डी माइनस फोर डी इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो टू डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ट्वेल्व, डी इज इक्वल टू टेन डिवाइड बाई टू, डी इज इक्वल टू क्या मिला? सिक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करूं,
के हम एक यहां से लास्ट में से 20th टर्म फाइंड करना है, तो हम पूरी एटी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, पहले इसके लिए फर्स्ट टर्म की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, चलो इसमें साइड लिखो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा 5। ठीक है, अब हमें लास्ट में से 20th टर्म चाहिए, तो हम इस एपी का क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स लिखने के लिए फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 253 से, तो रिवर्स एपी जो लिखेंगे उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 253। और कॉमन डिफरेंस जो भी यहाँ पे है उसका ऑपोजिट है, आपको पॉजिटिव 5 मिल रहा है तो रिवर्स हो गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, नेगेटिव 5। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर कुछ नेगेटिव होता तो रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता, पॉजिटिव। आपको इसका ऑपोजिट लेना है, रिमेम्बर करो। ठीक है, रिवर्स एपी कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 253 में माइनस 5 ऐड करो तो क्या मिलेगा, 248 मिलेगा। यस और नो? यस। इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसकी रिवर्स लिखेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस 5। अब 253 में माइनस 5 ऐड करो तो 248, अब तो अब ये लास्ट टर्म बन जाएगा उसका, इसका जो फर्स्ट है तो इसका क्या बन जाएगा, लास्ट। ठीक है, अब इसका हमें 20th टर्म फाइंड करना है। इसका 20th टर्म फाइंड करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ से लास्ट का 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल डी लिखा है, तो इसके लिए कैपिटल ए फर्स्ट टर्म और कैपिटल डी कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5। ठीक है, और 20th टर्म a प्लस 20 माइनस 1d होगा, a20 हमें फाइंड करना है, a इज 253 प्लस 19 कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5। सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24।
फोर टेन एट टाउन ए फोर प्लस ए एटी ट्वेंटी फोर क्या है ध्यान सम ऑफ फोर टेन एट टर्म इज ट्वेंटी फोर ठीक है अब फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस फोर माइनस वन डी प्लस एट टर्म ए प्लस एट माइनस वन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ए प्लस ए टू ए प्लस फोर माइनस वन डी फाइव डी एट माइनस वन डी सेवन समझ में आया मैंने क्या किया ठीक है ए प्लस ए टू ए फोर माइनस वन मतलब थ्री डी सॉरी एंड एट माइनस वन मतलब सेवन तो क्या मिलेगा टू ए प्लस थ्री प्लस सेवन टेन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सब में से टू कॉमन निकल रहा है तो कैंसिल हो जाएगा ए में से टू कॉमन निकला तो ए बचा टेन डी में से फाइव डी और ट्वेंटी फोर में से ट्वेल्व इसे दे दो इक्वेशन नंबर वन दूसरा क्या दिया है आगे क्वेश्चन पढ़ो एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म इज फोर्टी फोर सिक्स और टेंथ टर्म का सम कितना दिया है फोर्टी फोर तो ए सिक्स प्लस ए टेन इज इक्वल टू फोर्टी फोर ए सिक्स मतलब ए प्लस सिक्स माइनस वन डी और ए टेन मतलब ए प्लस नाइन माइनस सॉरी टेन माइनस वन डी होगा ना ए कर सिक्स माइनस वन डी मतलब फाइव डी ए प्लस टेन माइनस वन डी मतलब नाइन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर एन फोर ए प्लस ए क्या हो जाएगा टू फाइव डी प्लस नाइन डी फोर्टीन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर यहाँ पे भी सब में से टू कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा टू ए में से टू कॉमन निकल गया तो ए फोर्टीन डी में से टू निकल गया तो सेवन डी फोर्टी फोर में से ट्वेंटी टू दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी
चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी? 5,000। ईच ईयर 200 इंक्रीज हो रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस 200 मिलेगा। ईच ईयर सेम ही इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इन ईच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब एपी का लास्ट टर्म अगर 7,000 हो तो उसके लिए हमें टर्म नंबर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कहाँ से किया था? ₹5,000 से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा? 5,000 मिलेगा, ठीक है। फिर एवरी ईयर 200 इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब एवरी ईयर ओनली 200 ही एड होगा, ठीक है। तो वो एवरी ईयर का क्या मिला हमें? कॉमन डिफरेंस 200, ठीक है। सैलरी हमें कहाँ तक देखनी है? इन रीच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, तो उसकी इनकम 7,000 कब होगी? मतलब हमारा लास्ट टर्म हम क्या लेंगे? 7,000 लेंगे, यस और नो, ठीक है। तो एपी क्या बनेगा? 5,000, सेकेंड टर्म में 200 एड कर, थर्ड टर्म में अगेन 200 एड कर, लास्ट टर्म क्या मिलेगा? 7,000 मिलेगा, यस और नो, ठीक है। अब इसके लिए हमें सिर्फ टर्म नंबर फाइंड करना है, एल की वैल्यू। तो हमने कैलकुलेशन बहुत बार किया है ना, क्या है 7,000, जिसके लिए हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आया समझ में? ठीक है, अगर एपी का लास्ट टर्म 7,000 है तो कौन से नंबर का टर्म है, मतलब कितने ईयर के बाद, ठीक है। ए इज 5,000, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में इनकम कितनी थी? 5,000, वो कौन से ईयर में थी? 1995 में। अब 11 ईयर के बाद उसकी इनकम क्या हो जाएगी? 7,000, ठीक है। तो 1995 में क्या करेंगे? 11 एड करेंगे, यस और नो, ठीक है। 1995 इनकम वॉज ₹5,000, कितना मिलेगा? 6, 10, 2,000, 6, सो इन 2006 इनकम वॉज रुपीज 7,000। क्लियर? 2006 में उसकी इनकम क्या होगी? 7,000। क्लियर? लिख लो फटाफट।